हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड, वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। मेरा नाम घनश्याम जोशी है और आज से मैं आपको हिंदी भी पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, देखते हैं आज का पाठ। आज का पाठ है, एक कविता है, पाठ थे मैं सबसे छोटी हूँ। यह कविता प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखित है। देखिए, पहले इस कविता के कठिन शब्दों को देखते हैं। पहला शब्द है सज्जित। ये जो कठिन शब्द हैं इनको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, सज्जित। दूसरा है स्नेह। तीसरा निर्भय। चौथा निस्पृह। पांचवा चंद्रोदय। और इनको लिखने की आप इनको लिखने का अभ्यास करेंगे। अब आते हैं शब्द अर्थ की तरफ। कुछ शब्द हैं और सामने उनके अर्थ दे गए हैं। सबसे पहला है अंचल। अंचल मतलब होता है अचल। सदा, सदा मीन्स हमेशा। गात मतलब शरीर। स्नेह प्यार। निष्क्रिय मतलब इच्छा रहित, जिसकी कोई इच्छा नहीं। निर्भय, इसे भय न हो, यानी कि निडर। चंद्रोदय, चांद निकलना, जैसे जिसमें सूरज निकलता है उसमें हम कहते हैं सूर्योदय, ठीक उसी प्रकार जिसमें चांद निकलता है उसको कहते हैं चंद्रोदय। तो विद्यार्थियों, आपको ये अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और इनको आपको याद भी करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं इस पाठ की तरफ कि कवि इस पाठ के माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो चलिए चलते हैं पाठ की तरफ। तो बच्चों, मैं सबसे पहले इस कविता का वाचन करूंगा, उसके बाद इसकी व्याख्या करूंगा। आप लोग सब ध्यान से इस कविता को सुनिए और पढ़िए भी साथ में। चलो शुरू करते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हो मैं, तेरा स्नेह न खो मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो बच्चों, यह कविता के जो लेखक हैं प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है, क्योंकि इससे माँ का प्यार मिलता रहेगा और माँ के आंचल की छाया मिलती रहेगी। माँ हमेशा साथ रहेगी और हर सुख दुख में वह साथ देगी। अलग अलग प्रकार के खिलौने के लिए खिलौने खेलने के लिए मिलते रहेंगे। माँ के सुख से परियों की कहानियाँ, माँ के मुख से परियों की कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। तो देखते हैं अब कवि उस छोटी बच्ची के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। कभी कहना चाहते हैं उस बच्ची के माध्यम से, वो एक बच्ची कहना चाहती है कि माँ, मैं हमेशा छोटी रहूं और हमेशा मुझे तेरा प्यार, तेरा सानिध्य और जो तेरी गोदी में सोने का सुख है वो मुझे जीवन भर मिलता रहे। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, माँ मैं हमेशा तेरे लाड़ प्यार और दुलार के साथ रहूं। तेरा अंचल पकड़ कर जो मुझे सुकून मिलता है वो मुझे जीवन भर मिलता रहे, और मैं हमेशा तेरा साथ में रहना चाहता हूँ, तेरी सानिध्य में रहना चाहता हूँ और तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहती।
बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। बच्ची कहती है कि माँ तू बड़ा बनाकर हमारे साथ छल करती है, हमारे साथ धोखा करती है पहले, क्योंकि फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें पहले जैसा सुख तुझसे प्राप्त नहीं होता। देखो क्या सुख प्राप्त नहीं होता, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पहुँच सुजित कर गात। वो कहती है कि आप फिर जैसे जब हम बचपन में होते हैं तो आप जो है हमेशा जो है हम आपके पीछे आगे पीछे, हमारी बहुत ज़्यादा आप जो है केयर करती हैं और हमारे साथ रहती हैं, हम हमेशा अपने हाथ हमारा हाथ अपने हाथ में थाम करके जहाँ भी जाते हैं हमें लेके जाती हैं और हमारी बहुत ज़्यादा दिन रात हमारे आगे पीछे रहती हैं। इसलिए फिर आप जो है जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हाथ पकड़ कर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, फिर आप हमारे साथ जो है दिन रात नहीं रहती हैं, फिर आप हमें भूल जाती हैं और अपने कामों में व्यस्त हो जाती हैं। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सुजित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। माँ जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर आप जो है अपने हाथों से जो पहले हमको खिलाती पिलाती थी, हमें सज्जित करती थी, हमें सजाती थी, संवारती थी, जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर आप ये सब कुछ नहीं करती हैं, हमें ना आप परियों की कहानी सुनाती हैं, ना हमें खेलने को खिलौना ही देते हैं। इससे ऐसा लगता है कि मैं जो है कभी बड़ी ना हूँ, और बड़ी होने से यह सब आपका जो प्रेम है, ये जो स्नेह है, ये हमें नहीं मिलता। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्प्रय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। हे माँ मैं जो है कभी इतनी बड़ी नहीं होना चाहती कि आपका स्नेह फिर न मिल पाए। माँ का आंचल जो होता है, जो माँ की छाया होती है, वो संसार की सबसे सुरक्षित स्थान है। यहाँ हम बिना किसी डर चिंता और फिक्र के रहते हैं, यहाँ हमें किसी प्रकार का खतरा महसूस नहीं होता। माँ हमें हर परेशानियों एवं खतरों से दूर रखती है, वो हमें लोगों की बुरी संगत से बुरी नज़र से बचाती हैं, वो हमारी स्वास्थ्य और सफाई का भी ध्यान रखती हैं। इसलिए माँ का आंचल सब दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान है। इसलिए वो कहती हैं कि मैं जो है कभी भी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ, तेरा स्नेह मैं बिल्कुल नहीं खोना चाहती हूँ बड़ी होकर के, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूँ निष्प्रह निर्भय, कहो दिखा दे चंद्रोदय। माँ मैं हमेशा तेरे आंचल की छाया में, यानी कि तेरे लाड़ प्यार के बीच में, तेरे सानिध्य में रहकर हमेशा निश्चिंत और निर्भय रहूँ, और जब भी जो मैं चाहूँ वो तुझसे मांग सकूँ, कहो दिखा दे चंद्रोदय। यानी कि मैं जब भी मेरा मन करे, जब भी मैं जो चीज़ पाने की इच्छा करूँ वह मैं तुझे मांग सकूँ। बच्चों जो कहो दिखा दे चंद्रोदय का मतलब है कि मैं जब भी जिस चीज़ की भी इच्छा करूँ, मैं जो है निश्चिंत भाव से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डर के, मैं जो है तुझसे उस चीज़ की मांग कर सकूँ। चंद्रोदय का दृश्य अत्यंत सुहाना लगता है, चांदनी रात बहुत ही शीतल लगती है, जो आँखों और हृदय को ठंडक पहुंचाती है। इसलिए कविता में कवि ने चंद्रोदय दिखाने की बात कही है। तो बच्चों ये आज का पाठ है, आप इसे करिए और प्रश्न उत्तर PDF के माध्यम से भेजूंगा, उनको सब कॉपी में कर लीजिए। धन्यवाद।